गुरुमुखों, यह पावन श्री लीला हमारे हृदय सम्राट सद्गुरुदाता दीनदयाल जी सबके नैनों के नूर, दिल के सुरूर श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की है। एक भक्तानी जिसका श्री चरणों में बड़ा ही प्रेम था, उसको श्री दर्शन करने का सौभाग्य केवल एक बार ही मिला था। सुंदर प्यारे नज़ारों को वो अपनी आँखों में बसा कर दर्शन दीदार करके अपने घर लौट गई। फिर कई वर्षों तक उसे श्री दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। किसी छोटे से गांव में रहा करती थी और वहाँ से आने जाने के साधन भी सुगम नहीं थे। बड़ा समय बीत गया, दिल में बड़ी तड़प थी अपने प्यारे के दीदार की कि कब जाके सोने दर्शन होंगे। घर में श्री मूरत भी विराजमान की हुई थी और बड़े ही भाव से, बड़ी ही इतचित से सेवा भी किया करती थी। अब उनके घर में एक बकरी पाली हुई थी तो उसके दूध का भी भोग लगाया करती थी। उसके भगत जी वहीं गांव में किसी छोटी मोटी नौकरी किया करते थे। तो एक दिन उस भक्तानी को कहीं से ये पता चला कि गांव के बाहर दूर एक मेन सड़क जाती थी, वहाँ आज मेरे सद्गुरुदेव महाराज जी पधार रहे हैं, तो उस सड़क से आज कृपा होनी है। दिल में बड़ा चाव जगा कि नैनों से जाकर अपने प्यारे का दीदार तो होगा। दिल में बड़ी तड़प थी, बार बार दिल रोया करता था सोने दिलदार को याद कर करके। तो आज वही सौभाग्यशाली दिन आया है, मेरे दिल में तड़प पैदा हुई है। जा देखा प्रभु अपना, प्रभु देखा सुख होए, कब जाके वो सुंदर दीदार मिले, वो सोने कमल नैनों के दर्शन हो, चरण कमलों के दर्शन हो, मेरा मन तृप्त हो जाए। आज दिल में बड़ी तड़प है। बड़े प्रेम से आज उस भक्तानी ने खीर बनाई, बकरी का दूध निकाला, बकरी के दूध की खीर बनाई, मिट्टी के एक बड़े से कटोरे में उसको डालकर ढककर साथ लेकर चली आज वो। दिल में बड़ी उमंगी, आज मेरा साहेब आएगा, मेरा सोना दिलदार आएगा, देख देख के आज नैन तृप्त होंगे उस पावन दीदार को। मेरा सतगुरु, मेरा सतगुरु। तो उस भक्तानी ने अपने भगत जी को भी साथ लिया कि आज मेरे गुरु महाराज जी आएंगे, उस मेन सड़क से आज उनको जाना है, कहीं सड़क से जाएंगे तो रास्ते में ये खीर का कटोरा मैं श्री चरणों में अर्ज करूंगी, प्रभु मुझे जरूर पहचानेंगे और भोग लगाएंगे अपने कर कमलों से। भगत जी को भी बड़ा ही चाव उमड़ा। हालांकि उनका इतना प्रेम नहीं था, परंतु भक्तानी के कहने पर वो साथ हो लिए और साथ में खीर का कटोरा लेकर मुख्य सड़क पर पहुंचे। वहां सड़क के किनारे खड़े, दिल में बड़ी तड़प कि आज मेरा सतगुरु आएगा, मेरे प्रभु आएंगे। गुरुमुखों, हम कई बार बीलनी की कथा में भी सुनते हैं, भक्तानियां भजन भी बोलती हैं कि मैं खड़ी उड़ी का नाल, आज मेरा श्याम आएगा, जे श्याम ना आया तो कोई पैगाम आएगा। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहें या भगवान श्री राम के बारे में, बात तो प्रेम की है। किसी कारण से मेरा जो दिल है अपने प्रियतम में सदा लगा रहे, उनका सुंदर कमल से भी ज्यादा प्यारा मुखड़ा मेरी आंखों में आकर समा जाए। धन्य है वो हृदय जो अपने मालिक की याद में इस प्रकार से रोते हैं, धन्य है वो आंखें जो अपने सदगुरु की याद कर करके रोती हैं। मेरा सतगुरु, मेरा सतगुरु, वो आएगा, वो परम सुंदर, एक दिन उसको मुझ निमाणी पर भी तरस आएगा, वो जरूर आएगा, सुंदर दीदार लिए, आंखों में अनुपम छड़ा के साथ मुस्कुराहट लिए, वो जरूर आएगा। चरण कमल को
हृदय धारूं, हर्ष हर्ष तेरी ओर निहारूं। तू आ मेरा सोनिया, तेरे सुंदर चरणों को मैं अपने हृदय में धारण करूं और प्रसन्न होकर बस तुझे ही देखती रहूं। तुमरी कृपा चाहूं निस्बासा, पूर्ण होएगी हिया की आशा। मैं दिन रात तेरी ही कृपा की उम्मीद करती हूँ। हे मेरे सतगुरु, आ मेरे सतगुरु, मेरे दिल की आशाएं पूर्ण कर। ये भक्तानी प्रेम से अपने सतगुरु की राह देख रही है कि आज आवेगा, जे ना आया तो कोई पैगाम आवेगा। गुरुमुखो, समय बीता, प्यारे सतगुरु श्री कार में सवार होकर वहां सामने से आ रहे हैं। रोम रोम खिल उठा देखकर, होए मेरा प्यारा आया, वो आ रहा है, मुझे जरूर पहचानेगा। सड़क के किनारे आकर खड़ी हो गई, आगे मुड़ मुड़ के देख रही थी कि अभी श्री कार रुकेंगी और उतरकर मेरे सदगुरु मुझे निहाल करेंगे। परंतु ये क्या, हुजूर ने लीला करनी थी। वहां से आए, सुंदर दर्शनों को छुपाकर, सुंदर मुखड़े को छुपाकर चुपचाप वहां से निकल गए। भक्तानी के दिल को धक्का लगा, अरे देखा तक नहीं और चले गए। हे मेरे परवरदिगार, हे मेरे प्रभु, मुझ नीच से कौन से गुनाह हो गए। हे मेरे मालिक, कृपा कर। हे सोनियों, शायद मेरे अवगुण देखे होंगे आपने। हे मेरे स्वामी, मेरे अवगुण चित्त न धरो, दर्शनों की दात से निहाल कीजो मेरे कृपा निधान को। कोई न कोई लीला रचानी थी अपने प्रेमियों के दिल का प्रेम दिखाने के लिए। कुछ न कुछ लीलाएं करते ही रहते, समय होता है, एक तड़प को न अंजाम जब मिलता है। ये भक्तानी तड़पती रही, मन मसोस कर वापस लौट चली कि अब तो वही आए नहीं, अब तो चले गए यहां से। भगत जी भी बड़े गुस्सा हुए कि ये क्या, तू तो कहती थी कि तेरे गुरु महाराज जी तेरी तरफ देखेंगे, तेरे लिए कार रोकेंगे, तेरी खीर का भोग लगाएंगे, उन्होंने तो देखा तक नहीं। तो क्या गुरु महाराज जी अमीरों के यहां जाते हैं। ये कहते हुए, ताने देते हुए दोनों जा रहे थे। भक्तानी बड़ा रो रही थी, रोती चली, हे मेरे सतगुरु, ये क्या खेल रचा है आपने। मेरे दिल को बड़ी तड़प थी कि आज आन मिलेंगे मेरे साईं, परंतु आपने देखा तक नहीं मेरे प्रभु, आपने मेरी ओर पलक उठा के भी नहीं देखा, ना ही कृपा की। प्रेमियों, तड़प को तूफान पर लेकर आना था, दिल की तड़प जो है। कहते हैं कि जब तक पानी को 100 डिग्री पर नहीं तपाया जाता, तब तक वो उबलता नहीं, बाप नहीं बनता। तो ये भक्तानी का जो प्रेम है उशाल पर आ गया, 100% टेम्परेचर पर आ चुका था। और इधर हमारे महाप्रभु जी की श्री कार आगे गई, तो वहीं कहीं रास्ते में एक नदी पड़ी, अब उसको पार करके उस तरफ जाना था, छोटी सी पुलिया थी। अब जब हमारे महाप्रभु वहां पर पहुंचे तो बड़ी तेज बारिश होने लगी, बारिश काफी तेज थी, इतनी तेज कि नदी के ऊपर जो एक छोटी सी पुलिया जो बनी थी, उस पुलिया के ऊपर से भी पानी बहने लगा। वहां पर जो गांव के एक दो लोग खड़े थे, उन्होंने सलाह दी कि आप नदी के ऊपर से जो पुलिया बनी हुई है वहां से जाइएगा मत प्रेमियों,
वहां से कोई अन्य रास्ता भी नहीं था कि उस पार जाया जा सके। तो हमारे महाप्रभु ने आज्ञा फरमाई कि कार को वापस मोड़ दिया जाए उसी रास्ते पर जिस रास्ते से वापस आए थे, जहां से भक्तानी इंतजार करती रह गई। हुजूर आज उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं। प्रेमियों, ये है प्रेम की जीत। प्रेम की तड़फ जब हद से ज्यादा गुजर जाती है तब मेरा सोना आता है। वापसी में जब आए तो बड़ी दिल में दया उमड़ी मेरे महाप्रभु की। आज उस भक्तानी को निहाल करने का निश्चय ही कर लिया। वहां से जब आए तो वहां एक छोटी सी पगडंडी थी, छोटी सी सड़क, कच्ची सड़क जो उस मुख्य रोड को उस गांव से मिलाती थी। मेरे महाप्रभु ने इशारा किया कि महात्मा जी सीधे नहीं जाना, यहां से ले चलिए। अब जैसी श्री मोज श्री कार उसी कच्चे रास्ते से उस गांव की ओर चल पड़ी। और इधर भक्तानी घर पर बैठकर रो रही है, तड़प जो है प्रभु जी को खींचे चली आ रही है। ये होता है प्रेम का बंधन। प्रेमियों, जिसने भी प्रेम किया वो ये जानता ही है। हो ऊंच नीच ते दया निहारी, दे हरि नाम किया भव पारी। करन करावन हार स्वामी, गट गट के जो है अंतर्यामी। प्रेमियों, आज हमारे सदगुरु उस पगडंडी पे जा रहे हैं। जैसे ही उस भक्तानी का प्रेम हृदय को खींच रहा है तो भक्तानी रो रही है घर पे बैठी। नैन हमारे भावरे छिन छिन लोड़े तुझे, न तुम मिलो न मैं सुखी ऐसी भेदन मुझ। हे मेरे स्वामी, तेरे दर्शनों के बिना तो ये जीवन ही बेकार है। तुम न मिलो मेरा दिल कैसे सुखी हो। हे करुणाकार, आपने दिल की तड़प को तो नहीं देखा, दर्शन भी नहीं दिए। प्रेमियों, वो भक्तानी तो केवल रोई जा रही है। घर में श्री मूरत भी विराजमान थी, खीर का कटोरा वहीं श्री चरणों में रखा हुआ था। हे मेरे सदगुरु, आपने इस प्रेम को कबूल नहीं किया। हे मेरे स्वामी, कृपा कीजो, कृपा कीजो। अब उसके दिल की वहां तड़फ और बढ़ती गई। और इधर श्री गुरु महाराज जी खींचे चले आ रहे हैं। श्री कार गांव तक पहुंची, जैसे तैसे करके पूछ रहे किसी से। अब न तो अता पता मालूम है, परंतु हृदय की जो तड़फ है। श्री कार चलाते हुए महात्मा जी बिल्कुल पता नहीं कि कहां जा रहे हैं। जैसे जैसे महाप्रभु आज्ञा करते चले, आज्ञा देते चले, वहीं वहीं कार को मोड़ लेते। दाएं से बाएं जहां भी जाना है श्री मौज होती। प्रेमियों, कहने का भाव केवल इतना ही है कि ये प्रेम की बातें हैं। अगर प्रेमी का दिल तड़फ रहा है तो प्रीतम भी अनजान नहीं है उस प्रेम से। ये कोई एक तरफा प्रेम नहीं है कि मछली तड़फे और जल को यह खबर ही ना हो कि वो मेरे लिए तड़फ रही है। पानी के किनारे अगर मछली पड़ी हुई है तो तड़फ रही है तो पानी को तरस नहीं आता कि मैं उछाल लेके उस मछली को अपने अंदर समेट लूं। नहीं, ये जल और मछली की प्रीत नहीं है प्रेमियों। प्रेमियों का अपने सदगुरु के साथ जो प्रेम है ये दो तरफा प्रेम है। अगर प्रेमी का हृदय तड़पता है तो प्रीतम का भी हृदय तड़फे बिना नहीं रहता। महाप्रभु आज चले हैं अपने प्रेमी का पता पूछते हुए। अभी पता नहीं कहां जाना है, कैसे जाना है, जहां जहां रास्ता बताते चले जा रहे हैं। महात्मा जी श्री कार को लेकर उस तरफ ही चले जा रहे हैं। अंत में इशारा किया कि यही इसी झोपड़ी के सामने रोक दो कार को। घर बना था भक्तानी का, आज जो
हमारे महाप्रभु अपने प्रेमियों को दर्शन देने के लिए घर पे जो आए हैं। चौदहवीं का चांद आज घर में उतरा है, इस भक्तानी की क्या तो ऊंचे भाग्य है। हे प्रेमन, तूने अपने मालिक को अपने घर बुला लिया। वो जो शहंशाहों का शहंशाह है, वो जो परम लीलाधारी है, दयाल देश से आयो दाता, ये काहू नहीं मरम पछाता। धार्यो भक्तन हेतु तन स्वामी, बारंबार नमामि नमामि। आज कुंडा खड़खड़ाया है भक्तानी का कि दरवाजा खोल उठ। अब भक्तानी श्री मूरत के सामने बैठे रो रही है। दरवाजा खोला, बड़ी ही सुंदर सुरीली मीठी आवाज कानों में पड़ी, रोम रोम खिल गया। वाणी में वचन आता है कि कोटि सुख आनंद राज पाए, मुखते निमत बुलाई, कि मेरा स्वामी जब अपने श्री मुख से किसी को आवाज देकर बुलाता है तो करोड़ों सुख उस सेवक की झोली में जा पड़ते हैं। आज इस प्रेमन को भी आवाज दी, कुंडा खड़खड़ाया है। अंदर से ये मीठी आवाज जो कानों में पड़ी, जैसे कानों के रास्ते अमृत घोल दिया हो। दरवाजा खोलती है, क्या देखती है? चौदहवीं का चांद आज मेरे घर में उतरा है। ऐसा सुंदर वो रूप, वो खिला हुआ चेहरा, जैसे कोटि सूर्य ले जावते सतगुरु तेज निहार, जान बान पर गासा जाका वार न पार। ऐसा प्यारा मुखड़ा आज मेरे घर में, करोड़ों सूर्यों के समान अतुलनीय शोभा, कमल नयन खिले हुए हैं, प्रेम भरा आशीर्वाद दे रहे हैं। भक्तानी देखकर निहाल हो गई, आज मेरे सतगुरु आए हैं। ओ मेरे सतगुरु आए हैं, उन्होंने मेरे प्रेम को स्वीकार किया, मेरे प्रेम को स्वीकार किया है। मेरे सतगुरु मेरे घर आए हैं। बार बार रोती रही, श्री चरण कमलों में सिर रख दिया और बड़े ही प्रेम के साथ अपने मालिक के चरणों में बार बार प्रार्थना करती रही, शुक्राना करती रही कि आज इतना कष्ट दिया मेरे स्वामी को, मेरे सतगुरु आज मेरे घर आए हैं। धार्यो भक्तन हेतु तन स्वामी, बारंबार नमामि नमामि। श्री चरणों पर सिर रखा, रो रो कर श्री चरण कमलों को धोने लगी, बार बार सजदा करती रही, बार बार सिर को झुकाती रही कि हे सतगुरु बड़ी कृपा कीती है, बड़ी कृपा कीती है, आओ मेरे प्यारे आओ, शुक्राना, श्री चरण कमलों में शुक्राना।